हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज हम लोग समझेंगे ड्राई फ्रूट्स के बारे में, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, ठीक कई सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे और कौन सा ड्राई फ्रूट्स हमें लेना चाहिए और कौन सा ड्राई फ्रूट हमें नहीं लेना चाहिए, किस व्यक्ति को लेना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझ लेंगे। चलिए समझ लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम अगर बादाम की बात करें, ठीक है, आलमंड की बात करें, तो देखो भाई बहुत लोग कहते हैं कि बादाम जो होता है उसको खाने से दिमाग बढ़ता है, ठीक है, तो दिमाग बढ़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये है कि आपके ब्रेन के लिए कुछ जो है कि हेल्थ को ठीक रख सकता है, बट दिमाग नहीं बढ़ाता, ठीक। अब समझ लेते हैं कि अगर 100 ग्राम हम बादाम खाते हैं, भाई वैसे ही तो 100 ग्राम बादाम तो व्यक्ति चलते फिरते घूमते फिरते गाड़ी में बैठे ही खा सकता है, 100 ग्राम बादाम इतना होता है, ठीक है। तो बहुत लोग तो डेली बादाम का सेवन करते हैं। बादाम देखा जाए तो महंगा है, लेकिन उतना भी महंगा नहीं है कि कोई इसे ना खरीद पाए। बहुत से व्यक्ति जो है कि खरीद के इसका सेवन भी करते हैं। तो चलो भाई समझ लेते हैं। देखो भाई, बादाम में 575 कैलोरीज पाया जाता है, जो कि मोटे व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मोटापा को बढ़ाएगा। 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपके मसल्स के लिए अच्छा रहेगा, मजबूती प्रदान करेगा। 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एनर्जी के लिए ठीक है। और 49 ग्राम फैट पाया जाता है, जो कि हृदय संबंधी बीमारियों को और बढ़ा देगा और जो है कि ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। तो अगर हृदय संबंधी बीमारी वाले कोई व्यक्ति हैं तो उनके लिए बादाम ठीक नहीं है, और मोटे वाले व्यक्ति के लिए भी बादाम देखा जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि मोटापा बढ़ाता है। अगर हम बात करें अंजीर की, ठीक है, तो देखो भाई अंजीर मेरे नज़रिए से बढ़िया है, क्योंकि 100 ग्राम अगर हम अंजीर की बात करें तो उसमें 37 कैलोरी पाया जाता है, ठीक है, जो कि मोटापा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि कैलोरी इसमें कम है। आप ले सकते हो, 100 ग्राम अंजीर में 37 कैलोरी पाया जाता है। प्रोटीन जो है वो 3 ग्राम और फैट 1.5 ग्राम, ठीक, फैट भी ज़्यादा नहीं है। तो देखा जाए तो ये हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया है, कोई भी इसे खा सकता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट वाले, ठीक है, गुड़ पाए जाते हैं, जो कि जल्दी बूढ़े नहीं, यानी कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, और बुढ़ापे में जो चेहरे पे जो झुर्रियाँ होती हैं वह झुर्रियाँ भी जो है कि इसके कारण नहीं दिखेंगी, और आँखों के लिए भी बढ़िया है, और जो बाल जो है सफ़ेद होते हैं, और जल्दी बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे, और ब्लड प्रेशर भी इससे मेंटेन रहेगा, और हड्डियों को भी ये मजबूती प्रदान करेगा। अब बात करते हैं खजूर की, ठीक है, तो खजूर की बात करें तो बहुत लोग खजूर का सेवन करते हैं मिठाइयों में, तरह तरह की मिठाइयों में अभी खजूर का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे कि छुहाड़े वगैरह हो गए। तो देखा जाए तो इसमें 227 कैलोरी पाया जाता है, जो कि ठीक है, आप ले सकते हो, ठीक है, कैलोरी ये बढ़िया है, कोई ज़्यादा नहीं है। 2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, और कैल्स 75 ग्राम पाए जाते हैं, और इसमें फैट नहीं पाया जाता है। तो देखा जाए तो ये जो हृदय संबंधी बीमार जो व्यक्ति हैं उनके लिए खजूर सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक, आप खजूर ले सकते हैं। लेकिन जो ब्लड शुगर वाले जो पेशेंट हैं, मधुमेह रोगी हैं, उनके लिए खजूर बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो ब्लड शुगर को ये बढ़ा देगा, ठीक। और अगर हम बात करें तो ये सबसे बढ़िया है खजूर, अगर ब्लड शुगर वाले व्यक्ति को छोड़कर हृदय वाले रोगियों के लिए सबसे बढ़िया है। और आप चाहें तो इसे खा सकते हैं, और खाते भी हैं लोग, मिठाइयों में भी प्रयोग में करके खाते हैं, और ये जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आने देता, राइट। जैसे कि सऊदी अरब में जो बड़े लोग होते हैं, शेख लोग होते हैं, वे लंबे लंबे उम्र जीते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खजूर होता है, खजूर का सेवन करते हैं लोग। अगर हम बात करें पिस्ते की, तो इसका प्रयोग मिठाइयों पर किया जाता है, मिठाइयों पर रखा जाता है सजाने के लिए, राइट। अगर हम 100 ग्राम पिस्ते की बात करें तो 100 ग्राम पिस्ते में 557 कैलोरीज पाया जाता है, जो कि मोटापे को बढ़ा सकता है, मोटे व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं है। 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे मसल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए ठीक है। 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और 44 ग्राम फैट पाया जाता है, जो कि हृदय संबंधी बीमारियों को और बढ़ा सकता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देगा, ठीक। तो देखा जाए तो ये मोटापा बढ़ाएगा और ब्लड प्रेशर को ये बढ़ा सकता है, ठीक, बाकी और जगह ये ठीक है। अगर हम बात करें मखाने की, जैसे कि फॉक्स नट, राइट, मखाना, तो देखा जाए तो मेरे नज़रिए से ये बढ़िया है, कुछ जगह पर इसे लोग छुहाड़ा भी कहते हैं, ठीक। तो देखा जाए तो इसमें
0.1% फैट पाया जाता है, जो कि देखा जाए तो डायबिटीज जो बीमार व्यक्ति हैं डायबिटीज से, उनके लिए बढ़िया साबित होगा। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट वाले गुण पाए जाते हैं जो कि जल्दी बूढ़ा नहीं होने देते, चेहरों पे झुर्रिया, आंखों चेहरों पे झुर्रिया भी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है, झुर्रिया भी नहीं आएंगी, और आंखों से आंखों की रोशनी भी ठीक रहेगी, हड्डियों के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बेस्ट ये साबित होगा। ठीक, अब बात करते हैं किशमिश की। देखो भाई, किशमिश जो होता है वो सूखा हुआ अंगूर ही होता है, अंगूर को सुखा के ही किशमिश बनाया जाता है। ठीक, तो देखा जाए तो इसका भी प्रयोग मिठाइयों पर किया जाता है। ठीक, तो इसमें 325 कैलोरी पाया जाता है। ठीक, और इसमें 3 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है वह 77 ग्राम पाए जाते हैं, जो कि ठीक है, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर बात करते इसमें शुगर लेवल भी ज़्यादा होता है, तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए जो है कि शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, ठीक है, उनके लिए अच्छा नहीं है, बाकी अपने जगह पे और जगह पे ये अच्छा है। ठीक, हृदय संबंधी जो रोग वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो किशमिश है वह बेहतर साबित होगा, और इसमें फैट नहीं पाया जाता, इसीलिए मैंने बताया हृदय संबंधित रोगियों के लिए सबसे बेस्ट साबित होगा। अब बात करते हैं अखरोट की। देखो भाई, जो अखरोट है वह अखरोट को जब खोला जाता है तो अंदर जो निकाला जाता है तो उसका आकार लगता है दिमाग जैसा, ब्रेन जैसा, तो लोग कहते हैं भाई ये खाने से दिमाग बढ़ेगा, दिमाग बढ़ाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, देखो भाई, इसमें 689 कैलोरीज पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा कैलोरी, जितना मैंने ड्राई फ्रूट बताया उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी इसी में पाया जाता है, जो कि मोटापे को बढ़ाएगा। जब मोटापा बढ़ेगा तो भाई जाहिर सी बात है अनेक बीमारियाँ भी बढ़ेंगी। और 18 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, राइट, और कैप्स जो है वह 10 ग्राम पाए जाते हैं, और फैट 62 ग्राम पाया जाता है। तो फैट भी ज़्यादा है, कैलोरी भी ज़्यादा है, तो फैट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हृदय संबंधी बीमारियों को बढ़ाएगा, और कैलोरी ज़्यादा है तो मोटापा को बढ़ाएगा। तो देखा जाए तो 100 ग्राम अगर आप अखरोट खाते हैं तो मोटापा बढ़ा देगा, और ब्लड प्रेशर संबंधी जो भी बीमारियाँ हैं उनको ये बढ़ा सकता है। अगर हम बात करें काजू की, तो 100 ग्राम काजू में 583 कैलोरी पाया जाता है, जो कि कैलोरी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है मोटापे को बढ़ाएगा, ठीक, मोटे व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं है। डेली अगर आप काजू सेवन करते हैं तो मोटापा बढ़ा सकता है। और 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, और 30 ग्राम कैप्स पाया जाता है, और 44 ग्राम फैट पाया जाता है, जो कि फैट भी ज़्यादा है तो ये हृदय संबंधी बीमारियों को भी बढ़ा सकता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा ड्राई फ्रूट आपको लेना चाहिए अपने बॉडी के हिसाब से। अगर हृदय संबंधी बीमारी है या हम कह सकते हैं मोटापा वाला प्रॉब्लम है या मधुमेह रोगी हैं, तो किस व्यक्ति को कौन सा ड्राई फ्रूट दिया जाना चाहिए आप अपने हिसाब से समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो देखा जाए तो लगभग सब में प्रोटीन तो पाया जा रहा था। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं लेते हैं, ठीक, तो क्या आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये आप दाल खाते हैं ना, नॉर्मल सी दाल, तो दाल खाते हैं तो दाल में ऑलरेडी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, जो कि दाल खाते हैं तो उससे आपको प्रोटीन मिल जाता है, आपके शरीर का भरपाया हो जाता है। और भी तरह तरह के भोजन लेते हैं आप, उनमें भी प्रोटीन मिलते हैं, जो कि अगर आप ड्राई फ्रूट ना खाएं तो उनसे भी, उनके वो जो प्रोटीन है उनसे भी आपका काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, प्रोटीन की कमी नहीं होगी, और आपके मसल जो है वे अच्छे तरीके से काम करेंगे। ठीक, तो जो काजू है, बादाम है, अखरोट है, इन सब में अभी मैंने बताया कि इनमें कैलोरी ज़्यादा पाया जाता है और फैट ज़्यादा पाया जाता है। बाकी और जो मैंने बताया तो अपने हिसाब से आप चाहे तो लेना है तो ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि काजू या बादाम आप अखरोट ना खाएं, ठीक, लेकिन मैंने बताया कि अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो क्या, अगर बीमारी आपकी बॉडी के अंदर है, मोटापा है, ठीक है, या हृदय संबंधी कोई रोग है, तो किन व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, ये वीडियो के माध्यम से बताने का मकसद हमारा ये था। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो को देखना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।